सावित्री यादव कहाँ के रहने वाले? संजय नगर। आप यहाँ आई हैं कितने वर्षों से आ रही हैं? क्या मंदिर की आस्था है? हमें तो कई साल हो गई हैं। हमारा लड़का जाता है। हमारे को कई साल, कई साल हो गए, ध्यान नहीं है कितने साल से आते हैं लड़के। मंदिर के बारे में बताइए। इस मंदिर के बारे में हमने तो ऐसा सुना भैया कि जब यहाँ जंगल था तब जो बदिया लोग जानवर चुगाने आते थे तब भोले बाबा उनके सिर के पास से प्रकट हुए हैं। तब उनने उठ के देखा है कि भोले बाबा हमारे सिर के पास से प्रकट हुए हैं, तभी हमने देखा। तो वो कह रहे हैं कि हमने जब देखे तो भोले बाबा हमारे पास प्रकट थे, तभी से मंत्रा होने लगी है। जब जंगल यहाँ था तभी से। बहुत पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है। हम पहली बार सबके मुंह से जैसे सुना था कि बहुत अच्छा मंदिर, भोले बाबा बहुत सच्चे हैं, इसलिए दर्शन करने को आए थे। हमारे सभी मनोकामना पूरी हो अपनी है ना, के भगवान के द्वारे पे आके। क्या नाम है आपका? शुभम बोले। कहाँ से आए हैं और कहाँ से जल लेके आए हो, कहाँ अभिषेक किया? कितने वर्षों से आप लोग? काफी टाइम हो गया। कितने लोगों का जत्था आपका? 25 लोगों का जत्था जी। मेरा नाम जी, ये इस मंदिर की क्या विशेषता है, कितना पुराना वर्ष मंदिर है? ये मंदिर सनमत 1474 को इसका प्राकट्य हुआ है। यहाँ किसी समय घनघोर जंगल हुआ करता था। ये पांचाल प्रदेश है, इसी घनघोर जंगल में एक गाय चराने वाला चरवाहा जब यहाँ गाय चराने आया तो इन्हीं तीन वट वृक्षों के नीचे लेट गया। तो उसे मानो एहसास हुआ कि कोई उसे जगा रहा हो। जब उसने उठ करके देखा तो यहाँ पर एक शिवलिंग उभरा हुआ उसे नज़र आया। फिर उसने आसपास के क्षेत्र में जाकर के गांव वालों को बताया तो उसी समय से यहाँ भारी जनसैलाब उमड़ने लगा और जिस किसी भी भक्त ने जो भी मनोकामना मांगी वो आज तक पूरी हो गई। संवत 1474 का मतलब 604 वर्ष इस मंदिर को भगवान भोलेनाथ को प्रकट हुए हो गया। ये बट के जो वृक्ष हैं ये तो हजारों वर्ष पुराने हो गए। कहाँ कहाँ से लोग इसमें जल अभिषेक करने आते हैं? यहाँ से, यहाँ से पूरे शहर के, बरेली शहर के, बहेड़ी के, चैतल के और काफ़ी दूर दूर से लोग, भक्त लोग यहाँ कांवड़ चढ़ाते हैं और जलाभिषेक भी करते हैं। कितने बजे से भक्तों की लाइन लगना शुरू हो जाती है? यहाँ 3 बजे से भक्तों की लाइन लग जाती है, रात के 1 बजे तक मंदिर चलेगा।